हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज कंसल्टेंट्स। हो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। ये वाला जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये मैं बनाने वाला हूँ बेसिकली फाइव ऐसी मिस्टेक्स जो मैं डेली मीटिंग्स में, ऐसा मीटिंग्स होती हैं, लोग अपने रिफ्यूज़ल केस लेके आते हैं और पूछते हैं कि हमारा केस क्यों रिफ्यूज़ हो गया, हमने ये भी करा, हमने वो भी करा, वाई, कारण क्या था। तो उसमें से जो सबसे कॉमन है ना, जो डेली मुझे ऑलमोस्ट हर एक रिफ्यूज केस में देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे में पाँच शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है आप भी वो मिस्टेक करने वाले हों, या आपने की हो, तो आगे आप मत दोहराएं। तो फाइव मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स विच यू मेक वाइल फाइलिंग ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा, जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपका कोई पर्सनल, हर एक केस इज़ डिफरेंट, उसकी डिस्कशन जूम मीटिंग से हमने रखी हुई है। जस्ट ईमेल नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ईमेल करें, आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। 500 रुपये में आधे घंटे की मीटिंग मेरे से फेस टू फेस हो जाती है, तो पिन पॉइंट हो जाता है कि ये कॉमन मिस्टेक्स, इसके अलावा और क्या मिस्टेक्स आप करने वाले हैं या आपकी प्रोफाइल में थी। बट ये जो है, ये फाइव कॉमन मिस्टेक्स हर एक रिफ्यूज़ल केस में मैंने अब तक, डेली आई एम डूइंग मीटिंग्स, डेली आई एम डिस्कसिंग, तो ये बहुत कॉमन मुझे दिखता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप ये वाली मिस्टेक कर रहे हैं तो इससे आपको छुटकारा मिल जाए और आपकी प्रोफाइल बढ़िया तरह से प्रेजेंट हो। तो नंबर वन मिस्टेक, सबसे पहले मिस्टेक होती है रॉन्ग फाइलिंग ऑफ स्ट्रीम। मतलब कि आप केस फाइल कर रहे हो, लेकिन उसमें जो स्ट्रीम है दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्ट्रीम फाइल करने से फ्रेंड्स आपका स्ट्रेट अवे रिफ्यूज हो जाता है। उसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। अब देखिए, विजिटर वीज़ा में 4-5 स्ट्रीम्स हैं। बिजनेस स्ट्रीम है, आपकी फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम है, आपकी टूरिस्ट स्ट्रीम है। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक मेरे पास केस आया था, उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ जाना था ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने विजिटर वीज़ा की स्ट्रीम भर दी, विजिटर वीज़ा में टूरिस्ट स्ट्रीम भर दी। नतीजा क्या हुआ, सारी प्रोफाइल अच्छे होते हुए भी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज जेन्युइन, अच्छी सेविंग्स थी, अच्छा उन्होंने रिटर्न प्रॉपर फाइल किया हुआ था, फिर भी उनका रिफ्यूज़ हो गया। दिस वॉज द रीज़न, बिकॉज जो एम्बेसी के पास बहुत केस आते हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ सारे हैंडल करने होते हैं, उन्होंने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती है कि किसी भी रूल के ऊपर ये चीज़ अगर आपको दिखती है तो स्ट्रेट अवे डोंट लुक फर्दर, डोंट थिंक एनी, सिंपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट मिस्टेक रिफ्यूज़ द केस। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ हो जाता है। तो कभी भी, जब भी आपने विजिटर वीज़ा फाइल करना है, आप अपना पर्पस ध्यान से देखो, पर्पस देखो और फिर उसके हिसाब से आप उसको स्ट्रीम भरें। घूमने जाना है तो टूरिस्ट स्ट्रीम भरनी है। अगर आप एक माता या पिता हैं, आप फैमिली के अंदर आते हैं, तो फैमिली स्ट्रीम, वैसे ओल्ड एज में, यहाँ पर मैं एक अलग सा बता देता हूँ, ओल्ड एज में दे डोंट बॉदर, ओल्ड एज जितने भी ओल्ड एज पर्सनस हैं उनके लिए इट इज़ ओके, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी स्ट्रीम गलत मत भरें। इसमें गलती कहाँ पर होती है, स्ट्रीम, फैमिली स्ट्रीम में गलती वहाँ पर होती है जहाँ पर आप फैमिली मेम्बर हो नहीं, लेकिन आपने अपने मतलब कुछ भी हवाला दे के फैमिली स्ट्रीम वहाँ से मंगवा लिया, उस बंदे को भी नहीं पता था, उसने भी भर दिया। अब उस केस में आपका रिफ्यूज़ल पक्का है। सॉरी, बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप फैमिली मेंबर, इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है, जैसे आपका बेटा है, आप माँ बाप हैं, आप इमीडिएट फैमिली मेंबर बनते हो, लड़का वहाँ पर है, कोई उसका कज़न यहाँ से फैमिली स्ट्रीम वाला भर रहा है, कज़न कभी भी फैमिली स्ट्रीम में नहीं आएगा। अगर आपके उस ब्रदर ने, चलो जनरस है, उसने भर दिया, भाई आ जाओ कज़न आके, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, मैंने आपको स्पॉन्सर कर दिया, उसके एंड पे कुछ नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने कर दिया, उसने अपनी जनरोसिटी दिखाई, आपको प्रॉब्लम आनी है। आपने गलत स्ट्रीम भर ली, फैमिली स्ट्रीम, यू आर नॉट द इमीडिएट फैमिली मेंबर एंड यू आर टेक फाइलिंग की फैमिली स्ट्रीम में हमें स्पॉन्सर किया गया और हमें आप फाइल कर दें, वहाँ पर आपकी स्ट्रीम रॉन्ग होगी। देखा, तो इस तरह से स्ट्रीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे नहीं है बस टिक मार दिया जो भी दिल किया। एक नर्सिंग की स्टूडेंट आई थी, उन्होंने विजिटिंग वीज़ा के लिए मतलब अपना एग्ज़ाम देने जाना था, रजिस्टर्ड नर्स का, वहाँ पर उनके यहाँ सारे क्लियर थे, लास्ट जो स्टेज वहाँ पर होता है, एडिलेड में जाना था उन्होंने, उन्होंने अपने आप केस भरा, पहले विजिटर वीज़ा भर दिया टूरिस्ट स्ट्रीम में। अब ये केस क्या है, आपने एग्ज़ाम देने जाना है, आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हो,
when you are not going for tourism, then why are you applying for tourist stream? तो यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम हुई, तो उनको वर्क स्ट्रीम में जाना चाहिए था, बिजनेस स्ट्रीम में जाना चाहिए था, सॉरी। तो ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे कि जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला पॉइंट ही आता है आपका, स्ट्रीम कौन सी, किस स्ट्रीम में वीज़ा अप्लाई किया गया, विजिटर वीज़ा किया, आगे स्ट्रीम कौन सी है। वहाँ पर आपकी स्ट्रीम और आपका जो पर्पस है वो मैच नहीं होते हैं तो स्ट्रेट वे उसके माइंड में ये आता है कि इनको समझ नहीं है स्ट्रीम की, दे आर नॉट, दे डोंट केयर अबाउट, ये उनके लिए बड़ी चीज़ है, आपके लिए आप वो सोचेगा आपको समझ नहीं है। तो वहाँ जहाँ वो स्ट्रीम ही आप गलत कर रहे हो, आगे उनको आपके कोई भी, जो भी आप क्रेडिबिलिटी, जो भी आप 100 चीज़ें आपने लगाई हैं वो बिलीव नहीं करेंगे, उनके माइंड में एक तरह से रॉन्ग आपका इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा स्ट्रेट अवे फ्रॉम द स्ट्रीम। तो पहली मिस्टेक है, स्ट्रीम में कभी मिस्टेक मत करिए, ठीक है। नंबर टू, अब मैं आपको बता दूँ, ये मैं पहले भी इस पे वीडियो डिटेल में बनाया, जिसने देखना है फाइनेंसिस के ऊपर, तो इसमें थोड़ा और एस्पेक्ट मैं बताऊँगा, पुराने नए पैसे का, इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन है। अब मैं फाइनेंसिस पे आ रहा हूँ, फंड्स के ऊपर आ रहा हूँ, फंड्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कई इसमें कई तरह के एग्जांपल आपको मिलेंगे, 50 लाख सेविंग है वो रिफ्यूज़ हो गया, 5 लाख की सेविंग वाला डन हो गया, क्या है कारण, व्हाट इज़ द थिंग। यहाँ पर मिस्टेक होती है मिसमैच इन द ITR एंड योर इनकमिंग इनकम, एंड इसके अंदर ही आता है, इसी फैक्टर में आता है कि बड़ी इनफ्रिक्वेंट सी इनकंसिस्टेंट ट्रांजेक्शंस इन योर अकाउंट, समझ रहे हैं। इसमें हम डिटेल में बात करता हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका ITR, सबसे पहले तो आपका ITR मैच करे आपकी जो इनकम सोर्स है, महीने में आप 50,000 कमा रहे हो तो उसके हिसाब से आपका ITR होना चाहिए मैचिंग। महीने में आप 12 लाख कमा रहे, 1 लाख कमा रहे हो तो आपका 12 लाख का ITR होना चाहिए। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि ITR की मैचिंग कैसे होनी चाहिए। ये आपका मैचिंग है तो आप समझ लें कि आपके फंड्स को वो जेन्युइन समझ रहे हैं, आपकी इनकम को वो जेन्युइन समझ रहे हैं। अगर आपका यहाँ पर मिसमैच है तो पहला आपका नेगेटिव इम्पैक्ट यहीं पर पड़ जाएगा। और उसके बाद मैं आता हूँ सेविंग के ऊपर, सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, वो बेवकूफ़ बंदे नहीं है, सेविंग वो चीज़ होती है कि आप एक वो पैसा एक साइड पे कर देते हो अपनी इनकम में से, जिसको आप भूल जाते हो, और वो भूलने की आप में क्षमता होती है, यू हैव एबिलिटी टू फॉरगेट दैट मनी बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्यूमुलेट दैट मनी। सेविंग तो सबको मालूम है ना, इसी सेविंग के टर्म को लेकर चलें। सेविंग क्या है? सेविंग वो मनी है आपके इनकम में से जो आप में कैपेसिटी है कि आप उसको भूल जाएं और उसको आगे एक्यूमुलेट करते जाएं। अब वो कैपेसिटी सबकी अलग है, कोई एक महीने में 1 लाख को भूल के सेव कर सकता है, कोई 10,000 सेव कर सकता है, कोई 50,000 सेव कर सकता है, समझ रहे मेरे पॉइंट को। ये जनरल नॉलेज है, उनको भी रहता है। तो जो बंदा वो सेविंग, उसी को वो सेविंग मानते हैं। अब मैं यहाँ पर पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट ये है कि कई कहते हैं कि 3 महीने की स्टेटमेंट मांगते हैं वो, उससे पहले अमाउंट डलवा लिया, 5 लाख डलवा लिया सीधा, रेड फ्लैग। उनको कैसे पता लगेगा? उनको बेसिकली आपके 3 महीने की कंसिस्टेंसी से पता लग जाएगा, आपकी सेविंग का जो बोलेंगे आप, बताओगे ना कि सेविंग कैसे है, सेविंग दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे आप सेविंग? या तो FD में दिखाओगे, FD में दिखाओगे तो FD पे डेट लिखी होती है, अगर डेट 3 महीने से पहले की है वहीं पर आप, उनको पता लग गया कि अभी इन्होंने आज मार्च में, सपोज आप क्या चल रहा है, दिस इज़ अक्टूबर, अक्टूबर में FD बना ली, नवंबर दिसंबर जनवरी के बाद अप्लाई कर दिया, तो FD तो ये लगेगी ना कि अक्टूबर में बनी है, तो इससे उनको क्या मैसेज गया कि इन्होंने स्कीम खेली है। 3 महीने की हमने स्टेटमेंट मांगी, उससे पहले की सेविंग दिखा रहे हैं FD, ठीक है। अगर आपने सेविंग बैंक में डलवा ली है, अब दूसरा केस लेते हैं, आप कहते हैं सेविंग में डलवा देते हैं फिर हम कर देंगे, सेविंग तो हमने 3 महीने की दिखानी है, ऐसे करते हैं कहीं, वो भी रॉन्ग है, क्योंकि आपका जो इनकमिंग वहाँ पर सेविंग में जो दिखेगा 3 महीने के अंदर ट्रांजैक्शंस विजिबल होती हैं। अकाउंट स्टेटमेंट वो क्यों मंगाते हैं? अकाउंट स्टेटमेंट वो इसीलिए, क्या देखते हैं, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वो यही देखते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ योर ट्रांजैक्शंस, कितना मनी अंदर आ रहा है, कितना मनी बाहर जा रहा है, क्या कंसिस्टेंसी से इनकम आ रही है। इन 3 महीनों में सीधा आपने 3 लाख अगर डलवा दिए वो तो सीधा उनको पता लग जाएगा। इसके अलावा भी अगर इससे पहले आपने अपने अकाउंट में डलवाए हैं पैसे तो वो भी उनको पता लग सकता है, क्योंकि वो अंदाज़ा लगाएंगे ना कि 1 महीने में इनके पास ये इनकम आ रही है, ठीक है, 1 महीने में ये इनकम आ रही है और 3 महीने में इतना बन गया, एवरेज उनके दिमाग में बन जाता है तुरंत। दे आर एक्सपर्ट ऑन दिस, ये मैं आपको बता रहा हूँ,
एम्बेसी ऑफिसर्स को सबसे ज़्यादा ट्रेंड इसी में किया जाता है, जब आपके वो फंड्स देखते हैं इंस्टेंटली दे कम टू नो कि ये आपकी पुरानी सेविंग है या आपने कहीं से डलवा के हमें दिखा रहे हो। अगर वो 3 महीने के गैप में भी आपने बड़ा अच्छा दिखा दिया हमारी आ रही है कॉन्स्टेंट आ रही है, उनको पता लग जाता है, दे हैव राइट्स, वो आपका अकाउंट नंबर इस जो है सारा, इसलिए पुराना अकाउंट क्यों वो मानते हैं, ये यहाँ पर मैं आता हूँ। अगर हमने नया अकाउंट खुलाया ना तब भी कभी मत करना, दिस इज़ द मिस्टेक विच पीपल मेक। हमें फाइनेंस वाले में सारा बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको बताया मिसमैच की, सेकंड में फाइनेंस, कभी भी आपने नया अकाउंट नहीं बना के उसको दिखाना, पुराना अकाउंट ही चलता है। तो समरी सेकंड पॉइंट की क्या है, क्या सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम उनको बुद्धू बना लेंगे कहीं से फंड डलवा के पुराना, मतलब वो 3-4 महीने को पुराना मान लेते हैं, 5-6 महीने को, मैं कह रहा हूँ 5-6 महीने साल तक भी पुराना फंड नहीं होता है। जो जेन्युइन सेविंग होती है ना, जो पीछे से चलती आ रही है, जैसे आप कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, कम से कम 2 साल पुरानी, क्योंकि उनको भी लगता है अभी बंदा प्लान कर रहा है। आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह है तो आप कभी प्लान करोगे मैंने बाहर जाना है, तो आज से स्टार्ट करोगे ना सेविंग, तो आज से अगर आप सेविंग स्टार्ट करते हो तो 1-2 साल लगेंगे आपको। ये तो है नहीं कि आपने 50,000 कमाते हो 40,000 अपने सेविंग में डाल दोगे, हो सकता है ऐसे? नॉट पॉसिबल, यू विल नेवर। आप 50,000 में एक जेन्युइन अमाउंट 5,000-10,000 होगा, ज़्यादा कर लेंगे 15,000-20,000 कर लेंगे, भाई मैं 30 में अपना कर लूँगा, या हाफ हाफ कर लेंगे, यही चलेगा ना। तो उसके हिसाब से आप लगाओ कि 3-4 लाख, अगर आप 5-6 हफ्ता लगाना है, कम से कम 4-5 लाख दिखाना पड़ता है हफ्ता आपने जाना, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करो ना कितने देर में बनेगा, तो उतना पुराना फंड आपके लिए जेन्युइन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स कैलकुलेट करें, ये बात कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ द, अगर ऐसा आपका स्टेटस है बिल्कुल मैचिंग अकॉर्डिंग टू योर इनकम यू हैव सेविंग, देन आपका 100% अभी भी लग रहे हैं वीजेस, ऐसे कोई ट्रेंड वाली बात नहीं है। थर्ड, हाँ मैं थर्ड पे आता हूँ, थर्ड मिस्टेक जो पीपल अज्यूम करते हैं कि ये ट्रेंड चलता है कि आजकल रिफ्यूज़ल ज़्यादा हो रहे हैं, आगे जाके रिफ्यूज़ल्स कम होंगे तब भरेंगे, तब हम कुछ भी दिखा देंगे हमारा हो जाएगा, ऐसा ये आपकी गलती है, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी कोई ट्रेंड नहीं चलता। हाँ एक चीज़ होती है, कई बार होता है बहुत सारी एप्लीकेशन में, वो भी बंदा है जो असेस कर रहा है आपकी, स्कैनिंग कर रहा है प्रोफाइल की, वो भी कभी थक जाता है, वो कई बार हो जाता है स्किप, नहीं देख पाता डिटेल में, चलो लगा दिया, लेकिन ये बहुत कम होता है, चांस की बात है। 99.9% केसेस में वो बहुत विजिलेंट होते हैं आपके प्रोफाइल को देखने में, और उनको सख्त इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कहाँ पर आपने क्या क्या पिन पॉइंट करना है, और वहाँ पर कभी भी ये मत मान के चलें कि कोई ट्रेंड चल रहा है कि अभी रिफ्यूज़ हो रहे हैं, आगे हम सेम जैसी भी आपकी प्रोफाइल है वो हम आगे डालेंगे अच्छे सीजन में तो हमारा एक्सेप्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। प्रोफाइल आपकी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी के हिसाब से, अच्छा प्रेजेंटेशन, प्रॉपर जेन्युइन फंड्स, प्रॉपर सेविंग्स एंड प्रॉपर फाइलिंग विदाउट एनी मिस्टेक, तब आपका वीज़ा जो है तभी आपका वीज़ा अप्रूव होगा। तो मैंने तीसरी मिस्टेक बताई, अब मैं आपको फोर्थ मिस्टेक, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्टे। कभी भी आपने स्टे को लेके अपने आप से एजम्पशन नहीं करनी कि मैं आया हूँ भाई 2-3 महीने लगा लिए। पहली बार अगर आप जा रहे हो, फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर विजिटिंग एंड आप रीज़न दे रहे हैं कि मैंने घूमने जाना है, और उसमें आप स्टे लगा रहे हो 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना, क्योंकि आपका चाचे का लड़का या आपका कोई फ्रेंड वहाँ पर है, बेशक आप उसको नहीं दिखा रहे फिर भी आप लिख रहे हो, ये रेड फ्लैग है, उनको पागल मत समझे, उनको अपना दिमाग उनके में रख के देखिए कि अगर आप ऑफिसर होते तो आप क्या करते, वैसे सोचो। मैं आपको यही थिंकिंग करना चाहता हूँ कि जब आप वीज़ा फाइल करते हैं ऐसे मत समझें कि वो रैंडम बैठे हैं, उनको बहुत तगड़ी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इंडिया पाकिस्तान से जो आ रहा है, क्योंकि रीज़न बीइंग, क्योंकि हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं नहीं आते वापस, इसलिए इतना स्ट्रिक्टनेस है। तो जो भी आप अपने प्लान सोच रहे हैं ना, तो उनके हिसाब से सोचो कि वॉट जो आप सोच रहे हो उससे 10 गुना आगे वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी स्टे के मामले में पहली बार अगर आप जा रहे हो 4-5 दिन से ज़्यादा स्टे मत करें, और वो 4-5 दिन में आपकी फाइल स्ट्रांगेस्ट तब होगी जब आप कोई वहाँ पर सपोर्ट नहीं दिखाओगे, मेरा कोई फ्रेंड वहाँ नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव वहाँ नहीं है, मैंने होटल में रहना है, 5 दिन घूमना है और वापस आ जाना है, ठीक है। तो ये चौथी मिस्टेक होती है स्टे की, स्टे बहुत ध्यान से,
बाकी वीज़ा आपको 5-6 दिन का नहीं मिलता मेरे दोस्त, वीज़ा आपको अच्छे दे गिव जनरस वीज़ा, ऐसे नहीं होता कि 5 दिन का आप स्टे लगाओगे तो आपका वीज़ा कम अप्रूव होगा। अच्छा मिनिमम अगर उनको ज़्यादा ही है तो 3 महीने का तो लगा के देते ही हैं, अदरवाइज़ साल साल का वीज़ा लगता है। 3 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री भी अभी लग रहे हैं, मेरे सामने 2-3 केस आए हैं, ठीक है तो वो होते हैं। एंड नाउ 5th मिस्टेक जो बहुत कॉमन है कि आप मल्टीपल लोगों को अपने लिमिटेड सेविंग के ऊपर ले जाना चाहते हैं, डोंट डू दैट। हर एक इंडिविजुअल की अलग प्रोफाइल है, उसके हिसाब से अलग खर्चा होना है, उसको दिमाग में रखते हुए जो सेविंग आप दिखा रहे हो उसमें आपका जैसे 5 लाख, मैं आपको बता रहा हूँ ऑन एवरेज 5 लाख्स फॉर द 5 डेज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म, 5 लाख एक बंदे के लिए घूमने के लिए माना जाता है कि ओके अमाउंट है। अब आपका 3 लोग हैं फैमिली में, हस्बैंड वाइफ बच्चा जा रहा है, तो आपके अकाउंट में कम से कम 15 लाख रुपए जेन्युइन, अभी यानी डलवा लिए वो, ये सारे जो मैं अभी तक आपको बताया फंड वाला सिस्टम, वैसे जेन्युइन आपकी सेविंग पुरानी वो होनी चाहिए, FD है तो इतनी पुरानी होनी चाहिए, ठीक है, तब आपका तीनों का वीज़ा लगेगा जेन्युइनली। अब इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये मत मानिए कि एक की प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो उसके बेसिस पे दूसरे की अपने आप लग जाएगी। यहाँ पर ये सोचा जाता है फैमिली वीज़ा जब लगाया जाता है कि वाइफ भी नाल चली जाएगी, मेरी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, मेरी बहुत सेविंग है, इस तरह ऐसे नहीं होता। हस्बैंड ऐसे भी हो जाता है वो दोनों की, क्योंकि आपने जो फॉर्म्स भरने हैं अलग अलग भरे जाते हैं, एक ही फॉर्म में टिक नहीं होता कि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, हर एक का आपका IMEI अकाउंट में फॉर्म भरा जाता है, सब क्लास 600 आपकी भी जानी है आपकी वाइफ की भी जानी है, दोनों को उन्होंने इंडिविजुअली देखना है भाई ये क्या एग्जिस्ट करती है, क्या फंड्स हैं इनके पास, क्या स्टेटस है, क्या इनकम है, वर्किंग है नहीं है, व्हाट इज़ द स्टेटस, उसी तरह आपकी वाइफ का चेक होगा। तो जिसकी उनको बेटर लगेगी, अपने वो जो मापदंड मैंने आपको बताए हैं, जिसकी उनको बेटर लगेगी उसका वीज़ा लग जाना, अगर दोनों की बेटर है तब दोनों का लगेगा। ऐसे केस भी आते हैं हस्बैंड का नहीं लगता वाइफ का लग जाता है, और हस्बैंड का लग रहा है वाइफ का नहीं लग रहा, तो ऐसा केस हो रहा। और स्ट्रिक्टनेस का रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया पाकिस्तान में बहुत डिफ़ॉल्ट केस हो रहे हैं, डिफ़ॉल्टर्स हैं, वहाँ पर वापस नहीं आते विजिटर वीज़ा पे जाके, ट्रेंड बन गया, काफ़ी प्रमोशन भी ऐसे हो रही है विजिटर वीज़ा पे जाओ फिर वहाँ कन्वर्ट कर लो, तो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ उसको अलग केस है, कन्वर्ट कुछ होता नहीं है, नया वीज़ा वहाँ अप्लाई करना पड़ता है, उसमें भी मैं बता चुका हूँ केस। तो इस तरह से आपने ये जो 5 मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। पहली मिस्टेक है कि आपने कभी स्ट्रीम गलत नहीं भरनी, बड़े ध्यान से भरें, अगर समझ नहीं आ रहा भाई जूम मीटिंग कर लो, अपना बैठे थोड़े वास्ते, हम आपको बताएंगे कौन सी बेस्ट स्ट्रीम आपके लिए, ठीक है, केस डिस्कस कर लें, आपका 500 रुपये में भला हो जाएगा बिल्कुल, कोई आप खुद फाइल कर लो, हम नहीं कह रहे हमारे से फाइल करवाओ, खुद फाइल कर लो, पर वो एक बार अपनी प्रोफाइल तो जान लो भाई क्या हमें करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी तो आप बढ़ा सकते हो ना, तो वो कर लें। फर्स्ट मिस्टेक ये। सेकंड, कभी भी आपने फाइनेंसिस को लेके मिसमैच नहीं दिखाना, इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखानी। नंबर 3, स्टे के लिए बहुत ध्यान से स्टे डालना आपने, ठीक है। नंबर 4, आपको कभी भी जो स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए होती है। एंड लास्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ 5th मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, कि कभी भी ऐसे मत सोचें कि ट्रेंड चल रहा है, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होता, हमेशा आपको सही जेन्युइन प्रोफाइल आप करेंगे और जितने लोग जा रहे हैं उतने हिसाब से आप फंडिंग दिखाएंगे तो आपका वीज़ा लगेगा। एंड अबव ऑल सबसे लास्ट में आपको बता रहा हूँ, जो मैं कहूँगा रीढ़ की हड्डी है आपकी प्रोफाइल की, वो है आपका SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपके ढीली ढाली प्रोफाइल को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दिखा सकती है, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को तबाही, मैं तबाही वर्ड यूज़ करूँ, तबाही एकदम तबाही दिखा सकती है, कुछ नहीं है आपके पास। एजेंट्स 10,000 से ज़्यादा पंजाब में हैं, सब ने ये प्रोटोकॉल बनाया हुआ, मोस्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 1-2 पेज की इन्होंने बनाई होती है SOP, बस आपके नाम बदला जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता। मैंने SOPs भी मैं टेस्ट मेरे से हुई हैं पीछे, कुछ नहीं, वो बताते हैं रीज़न क्या है आपका कमबैक का, वो जानना चाहते हैं अंग्रेज़ क्यों आओगे वापस, उनको सपना तो नहीं आना ना कि आप क्यों वापस आओगे, वो तो आपके जो आपने 4-5 कागज़ लगाए हैं उसके बेसिस पे लगाएंगे, अगर उनको नहीं दिखेगा, उनके पास टाइम भी नहीं है, उनको बोला भी नहीं गया आपकी फ़ाइल में ढूंढो, उनको नहीं दिखेगा, वो कहेंगे आपका रीज़न है ही नहीं कोई कमबैक आने का,
वो रीज़न आपको दिखाना है, वो मैंने पहले ही बताया था, 60 फाइलें, दे अलाउड यू 60 फाइल्स टू अटैच टू प्रूव योर सेल्फ कि यू आर ए जेन्युइन विजिटर, आपने वापस आना है, तो वो 60 फाइलों का यूज़ करो, उसमें बहुत चीज़ें लग सकती हैं। अब वो आपको जानना है, आपने खुद दिमाग लगाना है क्या उसको शो करके अपना जो भी आपका स्टोरी है, जो भी आपका रीज़न बनता है, जो भी आपका टाइज का रीज़न बनता है, उसको शो करने के लिए आप वो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। तो तभी मैं कहता हूँ आप अपना केस डिस्कस करें और सही जगह से सही गुड नंबर ऑफ फाइल लगा के अपने आप को जेन्युइन प्रूव करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी और हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू।